असिस्टेंट सेल्समैन के पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया ना? हाँ, उसके लिए देखिए सर, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। वैसे भी हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा केपेबल पर्सन होना चाहिए सर। आप किसी स्टूडेंट को मत सिलेक्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज योर पोस्ट? सेल्स मैनेजर। व्हाट इज माय पोस्ट? जीएम सर। सो बी इन योर लिमिट्स। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, उसका नाम त्रिपाठी है। तुमसे अगर मिलेगा फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले लो। मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ प्रसाद, हमारे देश का क्या होगा ये सोच रही हूँ। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की वजह से ना हमारे देश के रेवेन्यू और रेपुटेशन दोनों गिर रही है। समझ गया मैडम, पर आपके अकेले परेशान होने से ये कंट्री थोड़े चलने वाली है। आपको पता है सर किसको अपॉइंट करने वाले हैं? किसको? एक बार उधर देखिए। नीलम, यू आर सो ब्यूटीफुल। पूनम जी की कजिन है ये। तो ये बात है, इसकी वजह से ना एक दिन कंपनी डूब जाएगी। फूटी किस्मत हमारी। नमस्कार सर। ये क्या सर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के कॉमन मैन बन के चले आए सर? कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप धर्मा ग्रुप के चेयरमैन। भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसे आए। पर वो क्यों सर? कुछ सच जानने के लिए। कौन सा सच है वो? मेरे जीजा जी शिवराम जी के बारे में एक कंप्लेंट आई है, मैं असलियत जानना चाहता हूँ। तो आप अंडर कवर पुलिस मैन की तरह अंडर कवर बिजनेस मैन बन के आए हैं? I'll not tolerate such irresponsibility. Get lost. ये मैडम कौन है? अग्नि काम में आए सर। अग्नि उसका सरनेम है क्या? नहीं सर, उसका कैरेक्टर नेम है। जहाँ गलती होती है वो जल जाती है, इसलिए तो सब उसे अग्नि कहते हैं। ठीक है तुम जाओ। चलो अपना काम फिनिश करो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। इस कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताइए। हाँ, वो रिकमेंडेशन वाली तुम ही हो ना? यानी मैं सब जानती हूँ। चलो, मुझे रिकमेंडेशन से बहुत नफरत है। वैसे तुम्हें पता है एमआरपी क्या होता है? हाँ पता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर बेचो तो क्राइम है। ओहो, तुम जैसे नाकारों की वजह से ही हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। आज हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है जानते हो? हाँ जानता हूँ मैं। क्या जानते हो? हमारी कंट्री की जीडीपी। अरे बाप रे, जीडीपी मतलब? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर कंट्री की इकोनॉमी रिपोर्ट इसी से बनती है। अच्छा, वैसे जीडीपी एमआरपी से काम नहीं चलेगा, डिटेल में बताओ। चलो, हमारी कंट्री की जीडीपी रेट 7th इन द वर्ल्ड है। जीडीपी ग्रोथ 7% है। हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज हैं सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, स्टील्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेदर, सीमेंट। और हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $313.2 मिलियन है। सर्विस एक्सपोर्ट्स है $150 बिलियन। हमारे देश की लेबर फोर्स 49% व्यवसाय में, 20% इंडस्ट्रीज में और 31% सर्विस में। हमारे देश में बेरोजगारी 3% अर्बन में और 2% रूरल में। टोटल 10.8 बिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन अवर कंट्री। उनमें से एक बेरोजगार मैं भी हूँ। मैडम, इतनी ज्यादा नॉलेज है तो यहाँ जॉब करने क्यों आए हो? वो इस पापी पेट के लिए। तुम जैसे को तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो ना इसी कंपनी में काम करने का मेरा मन था, मेरे नाना जी इस कंपनी में। यहाँ सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, झाड़ू मारो इसको। इस कंपनी में 36 झोल हैं। वो सारे झोल क्या हैं? जाने का टाइम हो गया, मेरी बात मानो, कोई और जॉब ढूंढ लो, वरना हमारी इकोनॉमी की तरह तुम्हें भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सारे झोल जानने के बाद मैं ये डिसीजन लूं तो बढ़िया रहेगा ना मैडम? गुड डिसीजन। बस स्टॉप पे मिलो। तुमने देखा, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती। डेली ऐसी ही हालत होती है हमारी। रोज खड़े होकर ही काम करो और शाम को खड़े होकर ही घर जाओ, कितना बुरा लगता है पता है? टिकट ले लो, टिकट ले लो। आपको कहाँ का टिकट चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। तुम कहाँ से दोगे पैसे? अनएम्प्लॉयड हो। भैया दो इंडिया गेट। ये लो, अकबर रोड, अकबर रोड। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो अकबर रोड उतर जाओ। चलो, खाली हुई है। सुनो, हमारे मार्ट में 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अगर उनके लिए बस सर्विस शुरू कर दी तो पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाए, ये सोचकर लेट आने वाले लोग भी करेक्ट टाइम पर आने लगेंगे। कितना टाइम बचेगा? टाइम इज मनी, पता नहीं है इन लोगों को। तो आप अपने जीएम से कह सकती है ना? किससे? उस बेवकूफ शिवराम से। वेस्ट फेलो, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए कहा मैंने उसे, तो बरस पड़ा मेरे ऊपर, और उससे बस सर्विस के लिए कहूँ? रहने दो, क्या कर सकते हैं, सैलरी के लिए काम करना पड़ता है। चलो चलो चलो, हमारा स्टॉप आ गया है, चलो। स्मार्ट में काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ दो तुम। अगर तुम्हें सच में जॉब की जरूरत है तो मैं अपनी फ्रेंड को तुम्हारा नाम रेकमेंड कर देती हूँ। ओके? हे, यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। खाते हैं ना? एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किशन जी, दो गोलगप्पे। लगता है आप यहाँ रेगुलर आती हैं। कैसे लगे गोलगप्पे? हाँ अच्छे। हमारी मुंबई में तो और अच्छे मिलते हैं, बस वहाँ पानी पूरी कहते हैं और यहाँ गोलगप्पे। ये देखो मेरे चाचा जी का घर। वैसे तुमने डिसाइड क्या किया? वो मैं। हे काम्या। हाय। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड है। हाँ? सुनो,
इस एरिया में मुझसे बहुत लोग फ्लर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए तुम्हें साथ ले आई। सीरियसली मत लेना इसे। ओके सो शी इज माय कजन श्रुति एंड हेलो। पे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। चंदू, चंदू। हाय, नाइस मीटिंग यू। बहुत हो गया, हाँ चलो। ये सब क्या है? मैनेजमेंट ने स्टाफ के लिए प्रोवाइड किया है मैडम, ये सब चेयरमैन के ऑर्डर पर हुआ है मैडम। इतनी जल्दी यहाँ इतना सारा बदलाव कैसे हो गया? मैडम मैडम मैडम, एक साइन तो कर दीजिए। किस लिए? साइन तो कीजिए ना, बताता हूँ। इस मार्ट में काम करने वाले सभी का इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप होगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, महीने में एक बार एंटरटेनमेंट हैम्पर भी मिलेगा। इस मार्ट में काम करने वाली लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट बनवाने का चेयरमैन का ऑर्डर है। पता नहीं उन्हें क्या सोची कि इतने बदलाव कर दिए। मालिक है इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मुझे ही मिलेगा ना? सिलेक्ट तो मैंने किया है ना, और सिर्फ इतना ही नहीं प्रमोशन भी देने वाला हूँ तुम्हें, बस मेरे करीब रहा करो। इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने खुद उसे सेलेक्ट किया है। वो कौन है ये जानने के लिए उनका कैरेक्टर ही उनकी खूबसूरती है और उनकी सिंसियरिटी ही उनकी स्पेशलिटी है। देयर शी इज, नन अदर देन मिस काम्या। अब इस अवार्ड को हमारे चेयरमैन साहब खुद काम्या को देंगे। अब तक आपने जिस चेयरमैन साहब को नहीं देखा है, अब आप उन्हें देख सकते हो। कई बार ऊपर से देखने पर ये आंखें छोटी चीजें देख नहीं पाती, तो हम सोचते हैं कि सब ठीक है। इस कंपनी में हो रही छोटी छोटी बातें बताकर कंपनी को बड़ी मदद करने वाली काम्या जी को मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। सर, मैंने वो अनजाने में कह दिया। तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई है उसी के लिए ये अवार्ड मिला है, तो पार्टी तो बनती है। बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अचानक तुम ये ट्रीट क्यों दे रही हो मुझे? हाय। हाय। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी बदौलत मार्ट में क्या चल रहा है मुझे पता चला। तुम्हारे मार्ट में होने से मार्ट ने काफी तरक्की की है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज तुम जैसी शरीफ और ईमानदार लड़की को देखकर शादी करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं करनी। मैंने नहीं कहा। लेकिन आवाज तो तुम्हारी ही थी। आवाज तो मेरी ही थी, लेकिन मैंने नहीं कहा था। ये मेरी आवाज निकाल सकती है। ये तुम्हें पसंद है ना? अचानक इस तरह शादी की बात हो तो जनरली हम जैसी लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो सब देखने के बाद आपको हाँ ही कहना है, क्योंकि ना कहने की कोई वजह नहीं है।